नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण निशा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित। जो भी किसान बंधु हैं जिन्होंने अपना ईकेवाईसी अभी तक पूरा नहीं किया हुआ है, विशेष तौर पे हम आज के इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। यदि आप जब ईकेवाईसी अपना कम्प्लीट नहीं किए रहेंगे, या फिर अपना ईकेवाईसी या फिजिकल हो गया या फिर ओटीपी के माध्यम से हो गया, अपना जब आप केवाईसी कंप्लीट नहीं किए रहेंगे तो ऐसे किसान बंधु का क्या होगा? उन्हें पैसा या जो भी लाभांश राशि है उनके खाते में आएगा या नहीं आएगा? या फिर जब हम स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन या फिर क्या कमियां देखने के लिए मिलेगा? इन सभी चीज़ों पे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार हम यूजफुल वीडियो लगातार अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आएंगे तो आप पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा हुआ है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फार्मर कार्नर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आना है बेनिफिशियरी स्टेटस में। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस आ जाएगा। ऐसे किसान बंधु या किसान भाई जो भी हैं जिनका अभी तक ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आप सर्च बाई में आएंगे, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इन दोनों का यूज करके आप यहाँ स्टेटस चेक करेंगे, तो जब आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा तो आप मोबाइल नंबर अगर देंगे तो हो सकता है कि आपका स्टेटस ना भी शो हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप अपने पहले केवाईसी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो आप मोबाइल नंबर यूज़ किए थे उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे फिल करके अपना कैप्चा फिल करेंगे और गेट डेटा जब करेंगे तो आपका जो भी स्टेटस है वो आपको सामने खुल करके आ जाएगा। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करके और यहाँ पे फिल करके और स्टेटस अपना जान सकते हैं। ये सभी चीज़ें जब आप फिल करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा हुआ है, इस प्रकार से आपको बेनिफिशियरी स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ऐसे किसान का सिलेक्शन किया हुआ है या फिर ऐसे किसान का यहाँ पे स्टेटस ओपन किया हुआ है जिनका ई केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पर इसके बारे में ही बताने वाले हैं। तो जब ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो क्या इरर शो होगा, चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि अभी इनका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग शो होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ई केवाईसी डन में आप यहाँ देखेंगे नो शो हो रहा है, यानी कि अभी यहाँ तक ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन हम इनका अभी आज तुरंत ई केवाईसी सबमिट किया है तो अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है। ये केवल जानकारी के लिए आपको हम बता रहे हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन शो होगा, क्या इरर्स आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पर नो देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रीज़न आप देखेंगे कारण में, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी इज़ इनएक्टिव ड्यू टू इन एलिजिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पात्रता शो ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी है, जो भी किसान भाई है, वो एक्टिव नहीं है इस लाभांश राशि के लिए। अभी जो भी लाभार्थी हैं एक्टिव नहीं थे इस योजना से संबंधित, इसलिए इन्हें इस योजना से अभी तक के लिए वंचित किया गया है। जब अपना ये केवाईसी सबमिट कर लेंगे तो आगे इनका जो भी जो भी लाभांश राशि है उनका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे जब ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे जो पेमेंट मोड आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो अकाउंट होगा, लेकिन जब आप ई केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में आपका यहाँ पर पेमेंट मोड आधार हो जाएगा। बाकी यही सभी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पीएमएमएस बैंक स्टेटस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक के थ्रू भी जो भी रिकॉर्ड है वगैरह जो भी है वो रिजेक्टेड यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे बैंक रिजेक्शन रीज़न भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि बैंक रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें वो क्लियर नहीं है। और हाल ही में भी यहाँ पर चल रहा है कि लैंड सीडिंग, तो यहाँ पर ऐसे किसान भाई हैं कि जिनका तो ई केवाईसी कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन किसी किसी किसान भाई में ऐसा दिखा रहा है कि लैंड सीडिंग भी नो हो रहा है, तो उनका भी तो इस समय पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लैंड सीडिंग भी, इसके बारे में तो हमने पहले से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ई केवाईसी कंप्लीट है और ऊपर के जो भी हमने यहाँ पर पेंडिंग वगैरह जो भी सूचनाओं के बारे में हमने आपको बताया, अगर वो सभी चीज़ें सही हैं तो आपको अगर यहाँ पर नो है फर्स्ट टाइम अभी फ़िलहाल के लिए, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपका अगर पेमेंट आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन ये जो लैंड सीडिंग है ना, इसको आपको क्लियर यस कराना ज़रूरी है, और इसे आप लेखपाल के थ्रू या फिर आप ब्लॉक स्तर से जा करके इसे आप सही करा लेंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे कि पेमेंट स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लगा करके और अब तक यहाँ पे 12 इंस्टॉलमेंट, जो भी 12th इंस्टॉलमेंट है, कोई भी इंस्टॉलमेंट का अभी लाभ नहीं मिला है। यहाँ पर या ये जो है कि
किसान है, अपना KYC आज कंप्लीट करवाए हैं, तो हो सकता है कि इनका जब बीच में जब अपडेशन होगा, अपडेट होगा विभाग के थ्रू, तो यहाँ पर सभी चीज़ें अपडेट्स हो जाएंगी और आगे ये लाभांश राशि प्राप्त करने योग्य हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। तो दोस्तों यही सब आज के इस वीडियो में बताना था और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।